Hello and welcome to Ruta Presents, the knockout show powered by Faboom Fantasy. Main hu Deep Das Gupta. स्वागत है आपका। अब हम चलते हैं दूसरे मैच की तरफ जो कि 8 बजे खेला जाएगा मुंबई में, मुंबई के साथ दिल्ली का। खैर मुंबई दिल्ली अगर दोनों टीमों की हम बात करें, पोल्स अपार्ट हैं। पोल्स अपार्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुंबई इंडियंस वही कंसिस्टेंट लगातार एवरी ऑल्टरनेट ईयर जीते हुए हैं, ये याद रखिएगा। 2017, 2015, 2013, ये 2019 है तो अच्छे चांसेस हैं मुंबई इंडियंस के। दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बात करें तो काफ़ी कुछ बदला इस साल। आप मालिकाना ले लीजिए, आप नाम ले लीजिए, आप कैपिटल्स हो गए हैं, पहले डेयरडेविल्स थे। टीम भी काफ़ी हद तक बदलाव आया है और एक ये टीम शुरू से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नया मैनेजमेंट, कोच भी नया है, रिकी पॉन्टिंग है, एडवाइजर सौरभ गांगुली हैं, तो काफ़ी कुछ बदला है दिल्ली के टीम के साथ। मुंबई वही टीम, एक नए खिलाड़ी ज़रूर आए हैं इस टीम में, इस ऑक्शन में लिया गया युवराज सिंह को, लेकिन मेरा ये मानना है शायद वो सारे मैचेस ना खेलें और शायद प्लेइंग 11 में उस तरीके से जगह ना बन पाए। ऐसा तो नहीं है कि पक्का है प्लेइंग 11 में, ये मेरा मानना है। युवराज के जो बेहतर डेन है, द बेटर डेज आर बिहाइंड हिम एज दे से, तो उस लिहाज से शायद ऐसा भी हो कि वो, जैसे मैंने कहा कि सीधा प्लेइंग 11 में ना पाए। मुंबई इंडियंस या मुंबई के पिच के बारे में बात करें वानखेड़े में, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है बैटिंग के लिए। हाई स्कोरिंग मैदान है, छोटा सा ग्राउंड है, लाल मिट्टी की सतह जहाँ पे बाउंस ज़्यादा मिलती है, और 8 बजे वाला मैच है तो सेकंड जो है बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ड्यू का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर जो टीमें हैं वो चेस पसंद करती है करना वानखेड़े में, क्योंकि ड्यू का जैसे मैंने कहा बड़ा ज़्यादा योगदान रहता है मैच के ऊपर। और एक फ़र्क ये हो जाता है जो हाई स्कोरिंग वेन्यूज़ होते हैं ना, वहाँ पे पहले जो इनिंग्स में बैट करके टारगेट सेट करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पता ही लगता कि 160 अच्छा टारगेट है, 180 है या 200 है, तो पार स्कोर खड़ा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चेंजेस मैंने बता दिए इस साल खास क्या हुआ है, दिल्ली की तरफ जो चेंज हुआ है वहाँ पर शिखर धवन आए हैं, मुंबई की तरफ एक चेंज और हुआ है, वो है उन्होंने बैंगलोर से डीकॉक को अपनी तरफ ले लिया है। तो अब डीकॉक जो है मुंबई इंडियंस की तरफ हैं, मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे इस साल, और शिखर धवन जैसे मैंने पहले कहा वो दिल्ली के लिए खेलेंगे। तो ये तो जो इस साल जो बदलाव दिखे हैं स्क्वाड में। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ मुंबई, अच्छी बात ये है कि शुरू में ही रोहित ने बोल दिया भैया इस साल मैं ओपन करूँगा, क्योंकि इंडिया के आप ओपनर हैं दोनों फॉर्मेट में वाइट बॉल क्रिकेट के, विश्व के टॉप 2-3 बल्लेबाजों में से आप एक हैं, तो क्यों मिडिल ऑर्डर? तो ये मानना तो खैर काफ़ी लोगों का था, लेकिन इस साल ओपनली पब्लिकली उन्होंने बोल दिया कि वो ओपन ही करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है मुंबई के लिए। और वो काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ भी रहेगा क्योंकि रोहित ओपन करेंगे। और मुंबई इंडियंस का अगर एक चीज़ देखने लायक होगी बात, वो है हार्दिक पांड्या। चोट के चलते पिछले 2-3 महीने से बाहर थे, उसके पहले आप अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ही बाहर थे। तो क्या चोट से अब उभर के आए हैं या नहीं, क्योंकि सिर्फ आईपीएल के नहीं भैया, आप तो आगे की भी बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, तो उस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है कि हार्दिक जो है वो कितना फिट हैं, मुंबई के लिए तो है, इंडिया के लिए भी। दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली का एक जो खासियत है अगर आप देखें तो काफ़ी युवा खिलाड़ी हैं, सेटल्ड साइड है। आप शुरू से ले लें अंत तक पृथ्वी, श्रेयस, और जैसे मैंने कहा युवा साइड है, ऋषभ है वहाँ पे श्रेयस हैं 3 नंबर पे, पृथ्वी ओपन करेंगे, तो वो जो है वो बड़ा अच्छा युवा साइड है, और एक साइड जो है वो फ्यूचर की तरफ, आगे की तरफ देख के बनाई गई है। चाहे वो तेज़ गेंदबाजी की भी आप बात करें तो वहाँ पे आपके पास आवेश खान जैसे एक युवा तेज़ गेंदबाज है, जो कि बहुत ही पोटेंशियल है उनमें और टैलेंटेड है। तो ये तो रहा इन दोनों टीमों के बारे में जो मुझे लगता है, और ये तो तय है कि ये मैच जो है उस टॉस पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, 8 बजे वाला मैच है ना वानखेड़े में। चलिए अब बात करते हैं मेरे फैंटेसी, फबूम फैंटेसी 11 की। तो फबूम फैंटेसी 11 की तरफ अगर मेरी टीम देखें तो रोहित ओपन करेंगे साथ में डीकॉक, उसके बाद श्रेयस अय्यर 3 पे हैं, कृणाल पांड्या हैं 4 पे, फिर ऋषभ पंत, क्रिस मॉरिस 6 पे, हार्दिक पांड्या होपफुली फिट हैं हार्दिक पांड्या,
अक्षर पटेल भी मौजूद हैं मुंबई के लिए। अक्षर पटेल मेरे प्लेइंग 11 में है। रबाडा संदीप लामिछा ने पिछले साल शुरुआत के मैचेस नहीं खिलाए थे, लेकिन भैया बहुत फर्क पड़ा उनके खेल में। अभी तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका। तो संदीप लामिछा ने भी है मेरे प्लेइंग 11 में फैंटेसी। और फिर जसप्रीत बुमराह, कौन मना कर सकता है, एक और वो बैटल होगा देखने लायक। एक तरफ रबाडा होंगे और एक तरफ जसप्रीत बुमराह, दो ऐसे खिलाड़ी जो मेरे हिसाब से वर्ल्ड के एक या दो, अब ये नहीं पता कौन एक है और कौन दो है। तो ये तो रहा। और जैसे मैंने कहा, ये मेरा फैंटेसी प्लेइंग 11 है, फबूम फैंटेसी प्लेइंग 11। आप भी ये कर सकते हैं, याद दिला दूं कैसे। आपको जाना है faboom.com में, साइन अप करना है पहले, उसके बाद जाके आप भी अपना प्लेइंग 11 बना सकते हैं। खैर, इस मैच में फिर दोबारा आपको याद दिला दूं, मुझे ये लगता है कि जो चेस करेगा उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मुंबई और दिल्ली के मैच में। खैर, टक्कर वाली मैच है, वैसी मुंबई दिल्ली आपस में वैसी भिड़ंत रहती है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या क्रिकेट के मैदान के बाहर। खैर, इस वीडियो में इतना ही। तो जो है, आप देखते रहिए आंख से, खेलते रहिए दिल से, और एंजॉय योरसेल्फ, क्योंकि भैया ये IPL है।